प्रयागराज केस में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। उनके जिस घर की दीवारें गिरी उसमें अतीक अहमद की पत्नी के रहने की खबर थी, जिसके बाद सीएम योगी का बुलडोजर वहां भी पहुंच गया और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच अतीक अहमद के प्रयागराज के इस घर पर बुलडोजर चल गया। अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सीएम योगी पहले भी उनकी कमर तोड़ चुके हैं और उमेश पाल हत्याकांड में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की तलाश में जुटी यूपी पुलिस प्रयागराज के इस घर तक पहुंची और फिर उसे गिरा दिया। अतीक अहमद की के जानकार जो काफी क्लोज जफर अहमद के नाम से ये इमारत है, उसे खबर मिली कि इस घर में अतीक अहमद की पत्नी रहती थी। पुलिस ने सबूत के तौर पर घर से मिली तस्वीर भी दिखाई, जिसके बाद इस आलीशान घर को मिट्टी में मिला दिया गया, जिससे सीएम योगी की वो बात सच हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और उमेश पाल हत्याकांड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। योगी के सख्त रूख के बाद आरोपी अतीक अहमद और उनके बेटे पर शिकंजा कस रहा है। सीएम योगी उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि यूपी में अपराध को जड़ से खत्म करना है। इस बीच यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जोरदार तरीके से घेरा और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी में कई माफिया पैदा हुए। यूपी के प्रयागराज केस के मुद्दे पर सदन में लगातार बहस हो रही है जो जारी रही और सीएम योगी सदन के अंदर फिर दहाड़े। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी में माफिया बढ़ने का आरोप लगाया कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वो यही नहीं रुके, वो जिस समय विपक्ष पर बरस रहे थे अखिलेश अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे। योगी ने इस पर भी तंज कसा, भाग लो या भाग लो, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है भाग लो। यूपी विधानसभा में प्रयागराज केस की बात घूम फिर कर उठ ही जाती है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकारों को इसी मुद्दे पर घेरा, यानी उमेश पाल हत्याकांड पर चल रहे सियासी दंगल में योगी ने फिर से बता दिया कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों दोनों को जड़ से खत्म करके ही मानेगी। उधर अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अपनी याचिका में उसने यूपी पुलिस से फर्जी एनकाउंटर का खतरा जताया और सुप्रीम कोर्ट से यूपी की जेल में ट्रांसफर नहीं करने की गुहार लगाई। अतीक अहमद ने आशंका जताई कि अगर पुलिस उसे उमेश पाल केस में लेकर उत्तर प्रदेश गई तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। इसके लिए उसने यूपी के कुछ नेताओं के बयान का हवाला दिया। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक क्यों? अतीक अहमद ने अपील की है कि अगर उसे यूपी भेजना भी पड़े तो केंद्रीय बल की सुरक्षा दी जाए। इस बीच अमेरिका और इसराइल के बढ़ते खतरे के बीच ईरान इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बदले ईरान वहां पर अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है ताकि उसे अमेरिका को जवाब देने में आसानी हो सके, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि उसके कट्टर दुश्मन अमेरिका का पश्चिम एशिया क्षेत्र में दखल बढ़ जाए और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ईरान इराक का सहारा लेना चाहता है। और कहा जा रहा है कि इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बहाने ईरान अपनी सेना को उसकी जमीन पर भी बिठाना चाहता है। इसी वजह से जब ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख ने इराक के रक्षा मंत्री से मुलाकात की तो उनकी सेना को ट्रेनिंग देने की पेशकश कर दी। कहा जा रहा है कि ईरान की कोशिश ये है कि अमेरिका और इसराइल के साथ इराक के संबंध पूरी तरह बिगाड़ दिए जाएं।